नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 1 जुलाई 2024 से आपने ये खबर तो सुना ही होगा कि हमारे देश में नया कानून लागू हो रहा है, आईपीसी की जगह पे बीएनएस और सीआरपीसी की जगह पे बीएनएसएस लागू होने वाला है। तो भारतीय दंड संहिता की जगह पे अब आपको भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह पे आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखिए, पुराने जो केसेस थे वो 1 जुलाई के पहले के जो केसेस थे वो पुराने तरीके से चलेंगे, पुरानी प्रोसीडिंग उनमें चलेगी, और जो नए केसेस दर्ज होंगे उनमें नई प्रोसीडिंग चलेगी। इसकी वजह से कोर्ट में काफी समस्या शुरू हो गई है। 1 जुलाई के बाद जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें नई प्रोसीडिंग चल रही है, नया कानून लग रहा है। उसके पहले के पुराने जो केसेस हैं उसमें पुराना कानून चल रहा है, पुरानी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो दो-दो प्रक्रियाएं अब कोर्ट में चलने लगी हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वकील को, पुलिस को, जज को, सबको समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। तो ऐसे में इसके लिए कोर्ट अब काफी सख्त हुआ है, और कोर्ट ये कह दिया है कि जो पुराने केसेस हैं, यानी 1 जुलाई के पहले के दर्ज केसेस हैं जिनकी पेंडेंसी काफी ज्यादा है, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और धारा 498 AIPC, 125 CRPC, ये भी जो केसेस हैं काफी ज्यादा पेंडिंग है, अब इनकी भी धारा बदल गई है। आईपीसी धारा 498A की जगह पे BNS 85 दर्ज हो रहा है, सीआरपीसी की धारा 125 की जगह पे BNSS 144 दर्ज हो रहा है। तो 1 जुलाई के बाद जो केसेस हैं उसमें नई प्रक्रिया, नए कानून चल रहे हैं, पुरानी जो चीजें हैं तो उसमें पुरानी केसेस में पुरानी धारा, पुरानी चीजें चल रही हैं, तो पेंडेंसी भी बढ़ेगी, दिक्कतें भी बढ़ रही हैं नया कानून आने की वजह से, पुराना कानून भी चलने की वजह से, नया कानून भी चलने की वजह से काफी समस्याएं हो रही हैं। तो कोर्ट अब ये चाह रहा है कि पुराने जो केसेस चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द हम समाप्त करें। तो ऐसे में इसी के संबंध में कुछ आदेश है, कुछ चीजें हैं, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि किस प्रकार से अब धारा 498 AIPC का जो पुराना मुकदमा था 6 महीने में जल्दी से समाप्त होने वाला है, इसके लिए सख्त आदेश आने वाला है। तो क्या चीजें हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 CRPC, DV, Section 9, इन मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे आप डिस्चार्ज कराएंगे, कैसे 125 CRPC खारिज करा के, डीवी एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचेंगे, किस प्रकार से आप डिवोर्स लेंगे, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण चीजों को हम समझते हैं। तो देखिए, पुरानी जो केसेस चल रहे हैं उनमें पुरानी धाराएं चल रही हैं, पुरानी प्रक्रिया के तहत सीआरपीसी चल रही है, नए जो केसेस आ रहे हैं नई धारा लग रही है, जो नई बीएनएसएस है उससे चल रहा है। तो ऐसे में काफी समस्या हो रही है, वकीलों को समस्या हो रही है, पुलिस को समस्या हो रही है, जजेस को समस्या हो रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो आदेश पारित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केसेस को समाप्त किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आप देखेंगे तो 156(3) CRPC, यानी जो FIR दर्ज कराने के लिए धारा होती है, और जो NI एक्ट है जिसमें चेक बाउंस के लिए केस होता है, उसके लिए एक आदेश आ गया है कि इसे 6 महीने में समाप्त किया जाए। ऐसे ही अलग अलग तरह के, अलग अलग नेचर तरह के जो केसेस हैं उनको खत्म करने के लिए ऊपर से आदेश आ रहा है कि इस तरह के जो केसेस हैं इन्हें 6 महीने में खत्म किया जाए, इस तरह के जो केसेस हैं इन्हें 8 महीने में खत्म किया जाए। ऐसे ही जल्दी ही एक आदेश आने वाला है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्ट्रीब्यूट से संबंधित पुरानी केसेस हैं, जो 1 जुलाई के पहले के दर्ज है जिसमें सीआरपीसी और आईपीसी चल रही है, उसे 6 महीने के अंदर समाप्त किया जाए। अब आप सोचेंगे कि 6 महीने में कैसे समाप्त हो जाएगा, तो बिल्कुल कोर्ट कर सकता है। जैसे मान के चलिए आपके ऊपर आईपीसी की धारा 498A में FIR हुआ है, पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया है, तो आप जब जमानत करा लेते हैं, चार्ज बनवा लेते हैं, तो पत्नी उसमें जल्दी गवाही नहीं देती है। तो ऐसे में कोर्ट के पास पावर होता है कि 1 से 2 डेट तक पत्नी का इंतजार करे, अगर नहीं आती है तो उसके खिलाफ वारंट करते, उसे वारंट करके पुलिस को आदेश करके गिरफ्तार करा करके उसका बयान कराए, या उसके अवसर को भी गिरा के, या फिर जो भी चीजें हैं उसका अवसर भी समाप्त कर सकता है। तो ऐसे में जो कोर्ट है अगर चाहे तो वारंट करके, अवसर समाप्त करके, जैसे भी हो सके ऐसे केसेस को डिस्पोज कर सकता है और खत्म कर सकता है। अगर पक्षकार लापरवाही कर रहा है तो अवसर समाप्त करेगा, उसके खिलाफ वारंट करेगा कि आओ जमानत कर, आओ अपना बयान दो, या फिर अगर नहीं जिरा करते हैं लोग तो अवसर समाप्त होता है। तो जो भी चीजें हैं उसे जल्दी से जल्दी करा
हटाने के लिए कोर्ट चाहे तो आदेश कर सकता है और 6 माह में खत्म कर सकता है। तो जल्दी ही ऊपर से ये आदेश आने वाला है कि 6 माह में मैट्रिमोनियल केसेस जो है उसे डिस्पोज कर दिया जाए, या तो उसमें सजा कर दिया जाए या उसमें बरी कर दिया जाए, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी से संबंधित सारे मैट्रिमोनियल केसेस दर्ज उसे समाप्त किया जाए, ताकि नया जो कानून अब आया है वो नया कानून के तहत ही जो केसेस है वही पेंडिंग रहे और आईपीसी खत्म करके सीआरपीसी खत्म करके सारे केसेस खत्म कर दिए जाए, जिससे कि बीएनएस और बीएनएसए से संबंधित केसेस ही चलाए जाए। तो जल्दी ही ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है और एक बड़ी राहत होगी और 6 माह के अंदर जो भी केसेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी खुशखबरी है पतियों के लिए। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।